तो गाइस मैं फैक्ट्री उतरा था, जस्ट मैं गन उठाना चाहा तब तक देखते एक बंदा के फटाक से मेरा सारा सामान उठा लिया। बोले रख तो नहीं रखा, हम सोचे रुको अभी ऊपर से आते कुछ मिलता है ना तो बजाएंगे तेरे को। और मैं यहाँ ऊपर आता हूँ तो देखते एक ही मिल जाता। बोले रुको अभी तूने मेरे सामने से उठाया अभी तेरे को मैं सीधा लोबी पधार देता। मैं यही सोच के तो कूदा था कि हम ना लोबी पधार जाएँ, और इनको यहाँ आके दे दनादन दे दनादन दे दनादन इतना मारने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। और ये एकदम पूरा प्रो की तरह एकदम जिगल करके मार रहा था। मैं जैसे तैसे करके इनको लोबी तो भेज देता हूँ, सोच रहा था कि यहाँ से निकल लेते क्योंकि ऊपर भी बंदे हैं नीचे भी बंदे हैं, आखिर दोनों तरफ से गिर गए हम तो। गाड़ी सोचे उठाएंगे और दे दरबर देंगे यहाँ से कहीं और के लूट लाट के। लेकिन तब तक एक बोर्ड भैया पधार जाते हैं, मेरे रुक जा अभी तेरे को भी ख़त्म करते अपना किल मेंटेन कर लेते हैं। और मैंने यहाँ से सोच लिया कि गाड़ी उठा के यहाँ से निकल लेते हैं। और निकलते ही देखते हैं इधर उधर चारों तरफ बंदे रहते हैं तो बोले पता नहीं, लेकिन यहाँ पे दो बंदे देखते खुले में घूम रहे। बोले इतनी आसानी से कैसे खुले में घूम सकते हो मेरे रहते। मैं थोड़ा सा डैमेज दिया, बोले कि अभी रुको आते हैं उधर से। उधर से मैं सोचे घूम घाम के आएंगे, इधर आखिर जाएगा तो उधर ही भाग के। और मैं इधर आते के देखते तो एक बंदा बोट को ठेल दिया अभी जस्ट, तुरंत ताज़ा ताज़ा बोट को ठेला है। और ये पता नहीं घर की तरफ भाग रहा था, इसको पता नहीं हेडफोन लगाया कि नहीं लगाया, किधर से गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा कोई खबर नहीं है, अपना मस्ती में गुम है। सोचे इनको कुचल ही देते नहीं तो फैक्ट्री वाले बंदे आएंगे और इनको बजा डालेंगे, मेरा एक किल चोरी हो जाएगा, फालतू के इतनी मेहनत से तो कुचले हैं। और सोचे अब अपने इधर से ही रुकेंगे और जो फैक्ट्री के बंदे आएंगे उनको बजाएंगे। तब तक एक बोट भैया मिल जाते हैं, ये खुले में पता नहीं कहाँ टहल रहे हैं, शायद केडी मेंटेन करवाने के लिए आ गए। और मैंने अपना केडी मेंटेन अच्छे तरीके से किया, बोले फटाफट इसको निपटा के यहाँ से निकल लेते हैं, एकदम घर की खबर लेके आएगा फैक्ट्री वाला तो बजाएंगे। और मैं घर में जाके छुप जाता हूँ और देखता हूँ कि किधर से आ रहे फैक्ट्री वाले बंदे, और मैं उसका वेट करने लगता हूँ। और मैं फाइनली यहाँ पे वेट करता हूँ तो एक बग्घी की साउंड आती है थोड़ी सी, तब तक देखते हैं फैक्ट्री तरफ से एक बंदा दौड़े दौड़े एकदम कहता नहीं कहाँ आ रहा है। जैसे इनको थोड़ा बहुत प्रसाद दिया तो ये पेट पकड़ के चिल्लाने लगा होगा हेल्प हेल्प, और उसका पार्टनर एकदम फटाक से बग्घी लेके एकदम एंट्री मार जाता है। बोले पता नहीं यार, और इनको भी थोड़ा बहुत डैमेज देते देते एकदम दे दरबार वो कवर में चला जाता है। बोले अब ये मौका है चौका मार लेते हैं, और वो नोक वाले बंदे पेड़ में कवर ले लेते हैं। हम सोचे पास जाके ही मारे, फिर डर लगता है कहीं स्टूल के है तो बिना बजा के बेइज्जती होके वहाँ से घूम आएंगे। लेकिन वो लौंडा एकदम सोच रहा है कि वो उधर है, हमको इधर देखा भी नहीं। मैंने इनको थोड़ा बहुत डैमेज दिया, बोले पता नहीं यार, और ये बंदा एकदम पिक फायर एकदम टेढ़ों में होते देखने लगा हमको। लेकिन जैसे तैसे मारा था ये नोक वाले बंदे फिनिश हो जाते, लेकिन अभी भी वो बचा है। लेकिन मैं इधर आके सोचते कि जैसे हो इनको इतना डैमेज दिया अभी तो हो जाएगा काम, और जैसे तैसे करके मैं इनको निपटा देता हूँ यहाँ पे। और लूट के एकदम सीधा स्टेडियम की तरफ आते थे, एक बोर्ड भैया देखते हैं टहल रहा था, ये बोल रहा है कि आओ केडी मेंटेन कर लो अपना। मैं सोचा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बोर्ड भैया मैं केडी मेंटेन कर लेता हूँ अपना, और मैं फटाफट इनको निपटा देता हूँ। और निपटाते ही देखते हैं पीछे से एक साउंड आती है गाड़ी की, और ये बंदा आगे जाके रुक जाता है क्योंकि इसके पास रहता है एस12 के। इसको घमंड होता है मेरे पास एस12 के, बट मैं डर जाता हूँ कि दो बंदे नहीं थे। लेकिन जैसे कैसे करके इनको ठेल ठाल देता हूँ, और ये एस12 के वाले भैया अभी सोच रहे होंगे कि पता नहीं यार एस12 के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मैं इधर चर्च तरफ आ जाता हूँ, गुफा की तरफ, वो सर्कल इधर ही बना रहता है। और मैं यहाँ पे पूरा इधर उधर भटक रहा था, कहीं एक दो बंदे मिल जाए तो और निपटा दें, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा रहता नहीं गुफा उफा में। हम सोचे अब ऊपर चढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या स्टेटस है ऊपर की। और मैं इधर जैसे आ ही रहा था, हम सोचे कहीं बंदे होंदे तो कैंप वैम्प नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ऊपर सोचने का सोच ही रहा था तब तक देखते पीछे से एक लौंडे आ जाते हैं। मैं इनको पूरा हेड देता हूँ M4 का, ये जल्दी पधार जाते हैं पर लोग यानी लॉबी। और मैं सोच रहा था कि ऊपर चढ़ जाते हैं जो होना हो, यार मुझे लग रहा था कि यहाँ से कटेगी सर्कल तो ऊपर ही बनेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। गाइस मैंने बिना सोचे यहाँ पहाड़ पे चढ़ने का फैसला किया, जो मेरा गलत था, बिना स्ट्रेटजी का कुछ नहीं होता है।